जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में आए थे और इंदौर में इस वक्त उनकी कथा चल रही है और शिव की भक्ति क्या होती है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, सर सवाल ये उठाते हैं कि भीड़ तो नेता लोग लगा देते हैं, जो नेता लोग कथा करवाते हैं वो भीड़ लगा देते हैं, पैसों से इकट्ठी की गई भीड़ इस तरह रोड पे नहीं बैठती। सर देख लीजिए, पंडाल अंदर है, अंदर जगह नहीं है, इसलिए ये लोग रोड पर बैठे हुए हैं। वहाँ तक दिखाइए आपको, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सर ही सर आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये भीड़ है पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पंडाल की, ये भीड़ है शिव भक्तों की, ये भीड़ है उन लोगों की जो शिव के भक्त हैं, ये भीड़ है उन लोगों की जो शिव को मानते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आइए आराम से आइएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आंटी जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रोड पे बैठे हुए हैं आप लोग कथा सुनने के लिए? जगह नहीं है उधर, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम। अच्छा, मतलब पंडाल में जगह नहीं है तो रोड पे बैठ गए, तो क्या करें, सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है हमको कथा, मतलब सुनना ही सुनना है आपको, ऐसा सुनना ही सुनना है अब क्या करें। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से कितने दिनों से लगाव है आपका, कितने दिनों से सुन रहे हैं आप लोग कथा? हो रही जब से ही, जहाँ कथा होती वही चल जाते हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बहुत दूर से आए हैं, उधर फूटीकोटी को, उधर से। अच्छा, इंदौर के निवासी हैं आप? कितनी देर पहले आए थे आप? थोड़ी देर ही। अच्छा, इसीलिए जगह नहीं मिली आपको ना, पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से भी आनंद आएगा बढ़िया, है ना? निराश पंडित जी का तो दर्शन ही नहीं हो रहे, यहाँ से टीवी पे नहीं दिख रही है हमारे को तो। आवाज सुनने के लिए आप बाहर बैठे थे, आवाज सुनने के लिए, उनके दर्शन तो चाहते है ना हम लोग, तो जल्दी आया करो आंटी जी, चार चार बजे के लोग बैठे होते हैं, कल से जल्दी आइएगा, जगह मिलेगी, है ना? और निराश नहीं होना है आपको। नौकरी वाले थोड़ी आएगा भैया, नौकरी पे जाते वो कैसे आएंगे बेचारे, वो आज छुट्टी थी तो आ गए सब जने। अच्छा, आज रविवार का भी फर्क है ना, इसीलिए अब नौकरी वाले थोड़ी आ सकते हैं। नहीं, क्या लगा 9-10 बजे तक आ जाएंगे, मिल जाएगी जगह? मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, जो 10 बजे आता है उसको पंडाल में एंट्री मिल जाती है। ये भीड़ अभी अभी लगी है आंटी, आप बिल्कुल आइएगा, निराश नहीं होना है आपको, हर हर महादेव, है ना? तो ये भीड़ है, ये रोड पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, चलो कुछ लोगों ने हमको बुलाया है, हम उनसे बातचीत करते हैं। कथा सुनने के लिए आप रोड पर बैठे हुए हैं? रोड पे बैठे भैया, पब्लिक इतनी है, हम लोग रोज अंदर जाते पर आज पब्लिक के कारण आज हम लोगों को यहाँ बाहर बैठना पड़ा। केवल आवाज सुनाई देगी है जी, मोबाइल पे ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप तो? नहीं, पर यहाँ पे जो आओ, यहाँ का जो पुण्य है उसको भी तो लेना जरूरी है ना हम लोगों को, हमारे घर के पास में ही हो रही है और हम यही बड़े गणपति के यहाँ से। अच्छा, मतलब बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग, और इंदौर के हैं प्रॉपर ना? जी जी, प्रॉपर इंदौर के रहने वाले हम लोग। अच्छा, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं पंडित जी से? 2 साल हो गए हमको। जो वो उपाय बताते हैं, कुछ विश्वास है आप लोगों को? जी है ना, विश्वास क्यों नहीं है, पक्का विश्वास जब तो आया। अच्छा, विश्वास है तभी आए हैं, तो सबसे बड़े भोलेनाथ पे, वो ही है सब कुछ करने वाला। जितने भी लोग ये जीवन भी उन्हें दिया, अंत भी वही है। क्या बात है, ये अलग जो है इसका एक बड़ा श्रेय जो है पंडित प्रदीप मिश्रा को देते हैं ना आप लोग? देते हैं ना, पहले शिव मंदिर में हम कोई भी नहीं जाते थे, नहीं, है ना? मेरा तो पहले से ही था शिव मंदिर का, और बाबा ने और इतनी कृपा कर दी है कि जो पब्लिक कम जाती थी अब और ज्यादा जाने लगी है। क्या बात है, आप पहले से ही शिव जी से मतलब जुड़े थे, पर अब कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया है बाबा से अब, और अच्छा भोलेनाथ से ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया, अब वो ज्यादा अटैचमेंट हो गया, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे भी पूजन में होती थी, सब होती थी। इनका फोटो ले लेना जरा, फोटो सबका ले लो, ये रोड की भीड़ है भैया, इंदौर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है और ये रोड पर बैठे हुए लोग हैं, अंदर एंट्री नहीं मिल रही है उन लोगों को, क्योंकि अंदर जो पंडाल है वो खचाखच बिल्कुल। 12 बजे हम लोग आए हैं, 12 बजे से ऑलरेडी हाउसफुल हो गया और अभी सिर्फ 1:15 बजा और कथा चालू होगी अपनी 2:45 बजे से, उसके पहले ऑलरेडी इतना भर चुका है, ये पूरा रोड ही ऐसा हो जाएगा ना, पूरा रोड भर जाएगा, पब्लिक आपको देखा पूरे वहाँ दीवार पे भी बैठी हुई मिलेगी अभी, और मतलब
और प्रशासन की व्यवस्था कैसी क्या है? बहुत अच्छी है, प्रशासन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। प्रदीप मिश्रा जी ने पूरी दुनिया हिला दी है। पंडित प्रदीप मिश्र कई तीर है, कई घूमने उमने जाएंगे, पर कुबेरेश्वर धाम और कथा में जरूर आएंगे। कुबेरेश्वर धाम गए आप लोग अभी? हम लोग वहाँ भी होके आ गए। अच्छा लगा ना? अच्छा लगता है। व्यवस्था गुरु जी की बहुत अच्छी है, रुकने करने आपको जितने दिन ठहरना वहाँ ठहर सकते हो आप। बिल्कुल, मैं भी ग्राउंड से दिखाता रहता हूँ लोगों को वहाँ के आश्रम की व्यवस्था। बाकी आप लोग आराम से कथा सुनिए, है ना, आनंद लीजिए कथा का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो ये जो लोग हैं, ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा और शिव के दीवाने हैं सर, ये सड़कों पर बैठ गए हैं। यहाँ पर अंदर पंडाल है, एक बार उधर कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, पंडाल अंदर बना हुआ है और ये लोग बाहर रोड पर बैठे हैं, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं है। अब अंदर पूरा खचाखच भर चुका है पंडाल। तो ये ताकत होती है शिव के भक्तों में, और ये जो लोग आए हैं इनको शिव की भक्ति ही खींच कर लाई है सर। ये अद्भुत है, ये विश्वास नहीं होता है ऐसी चीज़ों पर कि लोग रोड पर केवल आवाज़ सुनने के लिए आए हैं। अद्भुत है सर। सलाम है इन लोगों को, सलाम है इनकी सोच को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि इनकी भक्ति को लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिन लोगों को जगह नहीं मिली वो नाराज भी ना हो, वो निराश भी ना हो, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।